हमारा वीडियो देखने वाले आप सभी छात्रों को मेरा आंतरिक जोड़। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला से रिलेटेड कुछ सवाल समझे हैं। अब लैंग्वेज में जैसे एक्सरसाइज में जो कुछ सवाल पूछा गया है एक्सरसाइज 7.3 में, तो इसको एकाएकी करके हम सीरियल से कोशिश कर रहे हैं जो आपको सब क्वेश्चन समझा दें। इसके बाद तब एडिशनल सवाल अलग से कुछ ज़रूरी सवाल होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा है इसको समझें जरा से। क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है अंक 1 से 9 का उपयोग करते हुए, युज्मन उपयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ। बस एक लाइन का जवाब है। 3 डिजिट का क्या सिखाए, कोई भी नंबर बनाना हो तो 3 को घर बना दो। अब यहाँ देखो इस स्थान को भरने के लिए 1 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर हम लोग भर सकते हैं, तो इसको भरने का 9 तरीका हो गया 9 प्लस, इसको भरने का 8 तरीका और इसको भरने का 7 तरीका, तो ये हो गया 9 × 8 × 7। चार हाथ में 1 × 49 = 50, 500 चार गो नंबर बनेगा, हो गया। दूसरा कहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ दिया या हाउ मेनी 4 डिजिट DIGI numbers are there, NUMBERS numbers are there, TSEIR there with no digit repeated, with no digit DIGI repeated, REPEAT। अब इस सवाल को समझें, ये कहता है कि 4 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ, ऐसा कितना संख्या है। तो अब इसमें क्या होशियारी किया ये कि हमसे डिजिट कौन यूज करना है इसका कोई चर्चा किया ही नहीं। अब इसको समझो कि इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास कुल कितना डिजिट होता है,
तो दस कौन कौन, तो एगो होता है जीरो आ वन टू थ्री से लेकर के नाइन, टोटल कै गो हो गया दस गो। अब ये हमसे कह रहा है ऐसी चार अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो जय अंक का संख्या कहे हम बार बार कहे जो उतना पहले घर बना दो। तो चार अंक का संख्या कहा से एक दो तीन और चार। अब समस्या ये है जो आप अंकों का रिपीटेशन मना किए पहला बार, दूसरा हम पीछे क्लास में समझाए कि ये जो हमारा प्लेस है इस जगह पर जीरो देना संभव नहीं है, अगर जीरो देते हैं तो ये तीन डिजिट का ही नंबर बन के रह जाएगा, जबकि डिमांड क्या है तो चार डिजिट बनाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे तो ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट जीरो, मतलब हो गया जीरो को छोड़ करके, तो जीरो को छोड़ोगे तो एक से नौ तक में कोई भी अंक लिखा जा सकता है, कि हो गया नाइन। अब इस स्थान को जब भर दिए तो इसमें से नौ में से कोई एक अंक तो भरा जाएगा, तो आठ को इसमें बच जाएगा, एगो जीरो को जोड़ दोगे तो फिर नौ को हो गए। तो इस स्थान को भरने का नौ तरीका तो नाइन बेस, इसको भरने का तो आठ तरीका और इसको भरने का तो सात तरीका। हम तो इसलिए जा रहे हैं जो रिपीटेशन नो डिजिट रिपीटेड कर दिया, तो जब रिपीटेड कर नो डिजिट रिपीटेड कहेगा तो एक घट जाएंगे, तो टोटल नंबर कितना बन जाएगा तो नाइन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर आपको मालूम हो जाएगा, तो नौ नौ इक्यासी आठ सात छप्पन, तब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये है 56 इंटू 81 तो हो गया 6, यहाँ 5 8 45 8 6 48 तो 4 8 5 40 और 4 54 चलिए हो गया 6 8 2 10 3 13 13 हाथ में 1 4 1 5 सही बच गया 4 5 3 चार अंक की इतनी ही संख्या कितना, तो 4536 को संख्या बनेगा जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल हमसे क्या लग रहा है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड, हाउ मेनी डिजिट डी आई जी आई टी इवन नंबर, इवन नंबर एन यू एम डी ई आर एस कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, यूजिंग कौन कौन डिजिट यूज करने दिया, तो डिजिट वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर बीस फाइव गायब है सिक्स सेवन, सिक्स और सेवन लिखा इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, इफ नो डिजिट इज R E P E A T E। अब फिर देखो पहला शर्त कहा कि तीन अंकों की संख्या बनाइए जिसमें दूसरा कहा ये इवन होना चाहिए और तीसरा कहा यही डिजिट यूज होना चाहिए और चौथा शर्त कहा कि कोई भी अंक एक से अधिक बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसमें चार को शब्द है, तो सोल्यूशन में करो जो तीन अंक की संख्या है तो फिर तीन को बॉक्स बना दिए, वन टू थ्री। अब हम समझाए
कि जब इवन या ऑड मांग करी तो इस जगह को सबसे पहले भरना है, तो अंक जो यूज करना है ई दिया 1, 2, 3, 4, 6 और 7। तो इवन कहे तो इस जगह पर इसमें से जो जो इवन नंबर है उसी को भरो, तो ई है 2, 4 और 6, तीन को इवन है, तो या तो 2 भरेगा कोई, या तो 4 भरेगा या 6, मात्र हम लोग तीन में से कोई एक देंगे तब ये डिजिट इवन होगा। तो इसको भरने का तीन तरीका दिखाई दे रहा है, तो हो गया 3 बिट। अब यह चूँकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो कोई ये बोलते तो यहाँ भरवे न करेंगे, तो एक खर्चा हो जाएगा। डिजिट दिया कै गो है, तो 3 और 3, 6 को हमको दिया यूज करने के लिए, तो ये वो खर्चा हो जाएगा, तो बचेगा कै गो, तो 5 गो, तो इसको भर लो, तो इसको भरने का हमारे पास 5 तरीका है, एगो घट जाएगा तब हो जाएगा 4 तरीका। तो ये हो गया 5 × 4 × 3, तो 5 चौका 20 दिया 60, मात्र 60 के वो इवेन नंबर बनेगा। ऑड कहता तो इस प्लेस पर भर लेंगे 1, 3 और 7, तो फिर उतना ही बन जाएगा 60 को, ऑड भी 60 को बनेगा, इवेन भी 60 को। चौथा सवाल इसका क्या है, ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर फाइंड द नंबर NUMBER ऑफ 4 डिजिट DIGIT। नंबर NUMBER नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट that can be formed, can be formed, formed using the digit digit। तो कौन कौन डिजिट यूज करने दिया, तो डिजिट ये लिख रहा है 1, 2, 3, 4 digit is repeated, if no digit digit is repeated, repeated, how many of these will be even, how many इसको समझें। ये दो गो सवाल इसमें हमसे कह रहा है, जब अंक 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ फिर घर बना दिए, 4 डिजिट डिमांड करे तो बार बार कह रहे हैं जो 4 प्लेस बना लो, इसमें से जो डिजिट हमको यूज करने दिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच गो है, तो इस स्थान को भरने का 5 तरीका, तो 5 बेस, तब एक वो घटते चल जाएंगे 4, 3 यहाँ, तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 चौका 20 या 60 × 120, तो ये हो गया कि इतना ही 4 अंक की संख्या बनेगा। फिर आगे हमसे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो इवन बताने के लिए तो हम शुरू से सिखा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पहले भरना, तो इस यूनिट प्लेस को पहले भरेंगे तो जो डिजिट यूज करना है वो है 1, 2, 3, 4 और 5।
डिमांड है इवेन का, तो इवेन इसमें कौन कौन है, एगो टू है दूसरा फोर है, शेष ये सब आउट हो गया। तो यहाँ टू भराएगा या फोर दो ही भर सकते हैं, तो इस स्थान को भरने का हमको दो को तरीका नजर आ रहा है। अब दो में से कोई एक तो यहाँ भराइए जाएगा, तो कुल अंक कै गो यूज करने दिए हैं, तो पाँच को, तो एक गो खर्चा हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा चार, तब तीन, तब कोई मल्टीप्लाई कर दो तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू, तो चार या बारह दुना चौबीस, चौबीस दुना अड़तालीस, तो ये अड़तालीस को इवेन बनेगा, कुल अंक बनेगा एक सौ बीस। ये कुछ राज हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवेन, तो देयर फोर 48 इवेन नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब जिसे पांचवा में से क्या पूछ दिया है, हम सीरियलिए से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे क्या डिमांड है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ एट पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, assuming one person can not hold more than one position। तो ये NCERT के बुक का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 7.3। तो अब देखो, अब हम कितना लिखे, बहुत लिखने में टाइम पास हो रहा है। तो कहा जाए ए कमिटी ऑफ एट पर्सन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज, तो कहा जाए आठ आदमी का कोई कमिटी, ए कमिटी ऑफ एट पर्सन, तो इस कमिटी में आठ गो है, जिसमें से कहा दो का चुनाव करना है, इसका किसका, तो कहा जाए एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन तैयार बनाना है। वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन, तो कहा जाए एक आदमी एक ही पोजीशन पर रहेगा, मतलब अगर उसका चुनाव चेयरमैन के पद पर हो गया है तो वाइस चेयरमैन आपको दूसरा चुनना होगा। तो अब हमको जो यहाँ चुनना है तो दो आदमी का चुनाव करना है, एगो चेयरमैन के लिए और एगो वाइस चेयरमैन, तो इस आठ में से किसी एक का चुनाव हो सकता है, तो ये आठ तरीका से चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा। आज एगो चेयरमैन का जब चुनाव हो गया तो हमारे पास अब आदमी बचा कै गो, तो सात गो, तो इसको चुनने का सात तरीका, तो कुल तरीका हो गया एट इंटू सेवन आठ सत्य छप्पन, छप्पन तरीका से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कर सकते हैं। अब इसके नंबर के संबंध में हमको तो नहीं लगता है इसको भारी लगना चाहिए, एगो सोल्ड एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है नंबर, तो ये हमसे कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच, ये क्वेश्चन नंबर इसमें, अब हमारा सीरियल नंबर दोगे तो छठा समझे बना रहे हैं, सोल्ड एग्जाम्पल में चेक कर लेना। तो इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर इसका 11 में है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, तो कहा कि 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जिसमें अंक कौन कौन सा यूज करना है, तो डिजिट DIGIT यूज, तो यूज करने के लिए हमको डिजिट दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे लिख रहा है इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड कर दिया है, ऑफ DIGIT नॉट अलाउड, ये LOOW। अब इसको समझ लो, इसमें 100 से लेके 1000 के बीच
तो ई नंबर 101 से लेके 999 तक होगा, तो इसमें कई गो अंक यूज हुआ, तो मात्र 3। तो आप हमसे डिमांड किए हैं कि 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, तो 1, 2, 3 को बनाए। तो अब जो डिजिट यूज करने आप दिए हैं उसमें 0 से लेकर 5 तक दे दिए, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड कर दिए। तो हम बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ पर जब 0 हो तो नहीं देना है, इन 5 में से कोई एक दे देना। तो यहाँ लिख दो EXCEPT एक्सेप्ट 0, तो 0 को जब छोड़ देंगे तो 5 में से कोई एक अंक को भर सकेंगे हम, तो ये हो गया 5 उद्देश्य। अब यहाँ 5 में से कोई एक अंक तो भरिए देंगे तो 4 को इससे बच जाएगा, 1 को 0, तो फिर इसको भरने का 5 तरीका और इसको भरने का 4 तरीका, तो हो गया 5 × 5 × 4, तो 25 × 100 तक, तो कुलम 100 अंक ऐसा बनेगा जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ। जो डिजिट दिया इतना ही है, तो जैसे हम लोग अंक बनाते हैं वैसा ही हम लोग शब्द भी बना सकते हैं। अब एक आध वो शब्द वाला देख लो, तब कल जब एक ही तरह का डिजिट अगर रहेगा तब क्या करेंगे इस पर विचार करेंगे। शब्द ले लिया जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समीकरण, तो इससे कहा कि इसके सभी अक्षरों को लेकर ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें का या तो कुछ अर्थ निकलता हो या नहीं निकलता हो। देख रहे ना, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स मैंने क्या हो गया शब्द, विथ और विदाउट मीनिंग, क्या है उसका अर्थ कुछ निकलता हो या नहीं निकलता। विथ मने हो गया अर्थ निकले, विदाउट मने अर्थ नहीं भी निकल सकता है। कैन बी फॉर्म मने बन सकता है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मने इसके सभी लेटर्स को यूज करना है, यूजिंग ईच लेटर्स एग्जैक्टली वंस। इसमें एक और शर्त लगाया कि एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब देखो इसका जवाब देने के लिए कितना शब्द बनाने लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा रहता तो बनाइए देते। तो यहाँ लेटर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुलम 8 गो दिया, तो अब 8 गो स्थान बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ऐसे भरते चल जाओ जी, इस 8 में से किसी भी लेटर का यहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो 8 तरीका 7 तरीका तब 6 तब 5 तब 4 भरते चल जाओ, क्योंकि एक लेटर एक ही बार यूज करने का है, 3 तब 2 तब 1। तो ये हो गया टोटल 8 × 7 × 6 ये 5, 4, 3, 2, 1। अब या तो इसको फैक्टोरियल 8 लिख के छोड़ दो, नहीं तो गुना कर देना, जवाब हो जाएगा।
या कल लो सिखाए हैं जी आठ वो लेटर दिया ये डिफरेंट थिंग्स है टेकन एट एट ए टाइम तो एट पी एट तो ये हो गया फैक्टोरियल एट बाय फैक्टोरियल एट माइनस एट तो फैक्टोरियल एट बाय फैक्टोरियल जीरो तो फैक्टोरियल एट और फैक्टोरियल जीरो का वन तो ये भी आया फैक्टोरियल एट तो आप ऐसे लिखें ये गुना करके लिख देना। हाँ अगर छोटा सा कोई वर्ड रहे तो बना के देख सकते हो जी कैसे बन रहा है। जैसे हम अपने मने वो शब्द लिख रहे हैं ए गेम ए जी ए नहीं इसमें रिपीट हो गए रिपीट वाला नहीं हो ऐसा कोई लेटर लिखो जिसमें रिपीट नहीं हुआ अक्षर को यूज करके कितना शब्द बन सकता है जिसका कोई अर्थ निकले या नहीं निकले तो कैसे भरने सिखाए तो एक दो तीन तो इसको भरने का तीन तरीका तब दो तरीका तब एक तरीका तो तीन दुना छः तो ये छः शब्द बन जाएगा तो जैसे यहाँ लिखे सी तब लिखे ए तब टी अब सी लिख दिए तो लिखने के लिए क्या बचा ए और टी तो सी ए होगा या सी टी होगा ए लिख लिए तो सी चाहे टी तो ए सी या ए टी यहाँ टी यूज हो गया तो सी चाहे ए तो टी सी होगा चाहे टी ए होगा। अब दूसरा प्लेस भर ले है तीन गो लेटरे तो सी ए टी यहाँ ए यहाँ सी यहाँ सी तो भिन्न एक दो तीन चार पाँच सब ये शब्द बन गए। तो जैसे अंक बनाए हैं उसी ढंग से हम लोग शब्द भी बना सकते हैं। अब शेष बात अगले क्लास में समझाएंगे तब उसमें अंक अगर रिपीटेड हो तब हम लोग क्या करेंगे तो इस पर अगले दिन विचार करना। ठीक है क्लास अच्छा लगा तो फिर से क्लास करना अगले दिन और बात समझाएंगे आज इतना ही रखो। थैंक यू।